तो दोस्तों हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। एक्चुअली ना मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो लास्ट मेरी वीडियो थी हनौल वाली, जब से मैं वहाँ से वापस आया ना उसके बाद से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा कन्फ्यूज था कि ट्रैवल वीडियोज़ बनाऊँ कि क्या बनाऊँ, क्या समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि कुछ नया करते हैं इस बार। तो अभी मैं घर से जस्ट निकला हूँ थोड़ा सा आगे ना, और आप भीड़ देख सकते हो मेरे घर की तरफ, कितनी ख़तरनाक भीड़ होने लग गई है यहाँ पर। एक्चुअली में रीज़न क्या है ना, यहाँ पे जो सब्ज़ी मंडी लगती है ना, इस वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कत होने लग गई है। ये लोग बिल्कुल बीच बीच में लगा देते हैं ठेला, और लोग लेने के लिए उतरते हैं यहाँ पे, गाड़ी लगाते हैं और बस यहाँ पे जाम लग जाता है। अभी फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है, नहीं तो जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना हर बार मुझे जाम ही मिलता है यहाँ पे। तो ये हमारी पूरी गड़ी कैंट वाली जो है सब्ज़ी मंडी है, काफ़ी नीचे तक है, पूरा चौक तक ही यही है। ओहो, थोड़ा साइड हो जाओ। बाकी आज मैं थोड़ा घर के पास ही जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, किशन नगर साइड जा रहा हूँ। किशन नगर मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास ही होगा, 1.5-2 किलोमीटर। वहाँ पे कुछ खाने वाने का है, मिलता है चीज़ें, मतलब जगह है एक जहाँ पे प्रॉपर, जहाँ हर चीज़ खाने को मिलती है। तो अभी सोचा है कि वहाँ चलते हैं और वहाँ पर जो भी मिलेगा खाने वाने को आप लोग को भी दिखाऊँगा, खुद भी खाऊँगा, और बस ये प्लान किया है आज थोड़ा सा फूड ब्लॉग करने का छोटा सा। तो लेट्स सी कैसा होता है, मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है फूड व्लॉग, क्योंकि ट्रैवल व्लॉग तो मैं करता रहता हूँ। तो सोचा है थोड़ा ट्रैवल के साथ साथ छोटा सा एक फूड व्लॉग भी बनाऊँ। और दूसरी चीज़ ना, मतलब मैं ये नाइट में पहली बार गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा क्लियर आने वाला है, बट आई होप इतना क्लियर आ जाए कि मतलब आप लोग को दिख जाए और वीडियो सक्सेस हो जाए। अभी मैं पहुँच गया हूँ ओएनजीसी चौक, यहाँ से जस्ट आपको लेफ्ट लेना है। जिन लोगों को नहीं पता किशन नगर वाला रास्ता, वैसे सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट, देहरादून वालों को तो, लोकल्स को तो पता ही होगा। तो बस यहाँ से लेफ्ट लेके थोड़ा सा आगे जाके वो जगह है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं खाने के, एक्चुअली हमारे गड़ी कैंट में इतने सारे हैं, मतलब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा वीडियोस तो वहाँ की भी बनाऊंगा कुछ कुछ, बट अभी मेरा जो डिसाइड किया था मैंने बनाने का, वो इधर ही साइड बनाने का डिसाइड किया था। बाकी जो किशन नगर वाला रूट है ना, ये कोलागढ़ को भी कनेक्ट करता है, और इस जगह पर बहुत सारे स्पॉट्स हैं खाने के। एक स्पॉट ये भी है अमिगोज, यहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा आते हैं, बट काफ़ी टाइम से मैं यहाँ आया नहीं हूँ। तो जिस टाइम मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ आऊँगा ना, तो उसका वीडियो भी मैं बनाऊँगा। बस थोड़ा सा ना मुझे आज ऑकवर्ड सा लग रहा है, क्योंकि मतलब मैं नाइट में निकल रहा हूँ ना, नाइट में इतनी सारी भीड़ होती है ना, अभी तक मैं जहाँ भी वीडियो बनाने गया हूँ मोस्टली अनक्राउडेड प्लेस गया हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है अजीब। बाकी जो लोकेशन की मैं बात कर रहा था, देखो मैं पहुँच गया हूँ, ये सामने SBI का बैंक है और उसके जस्ट अपोजिट में ये जगह है, यहाँ पर खूब सारी चीज़ें हैं खाने को। तो गाड़ी में एक्चुअली मैं पीछे पार्क लाऊंगा, स्टैंडर्ड भी है यहाँ पे बगल में, अगर किसी को देखना हो ना तो स्टैंडर्ड है, बड़ा वाला स्टैंडर्ड आगे है, बट ये छोटा वाला स्टैंडर्ड है, उसके जस्ट बगल में ये जगह। और पार्किंग के लिए आप पीछे यहाँ पे आराम से भाई देख ले, पीछे भी पार्किंग के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो गाड़ी लगा के, गाड़ी लगाने सॉरी, इधर ही गाड़ी लगाते हैं हम। तो गाइस ये लोकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। वहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं है वैसे, संडे है बट फिर भी, सैटरडे सॉरी, बट फिर भी ज़्यादा क्राउड तो इतना है नहीं, बाकी काफ़ी चीज़ें खाने को यहाँ पर है। तो वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर डोसा वगैरह भी है, बट मेरा फेवरेट मैं लेने वाला हूँ भैया एक प्लेट वेज कबाब कर देना, वेज कबाब। तो यहाँ से तो वेज कबाब ले लिया, अभी यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। हाँ भैया खाना है, खाना है भैया, मलाई चाप कर देना एक वेज, हाँ मलाई, मलाई चाप, हाँ। बस ये लोकेशन बिल्कुल SBI बैंक के सामने पे है ये सारी है। एक्चुअली में ना ये कोई एक जगह नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएगी। डोसे वाले यहाँ पे है, बाकी कबाब स्प्रिंग रोल वगैरह आप लेते हो तो यहाँ पर ले सकते हो। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं, चाप जो मैंने अभी ऑर्डर किया है वो मैंने यहाँ से ऑर्डर करी है। तो फाइनली हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं अभी यहाँ पे। बाकी अफ़गानी है कौन सा चाप, पता नहीं कौन सा चाप बोला है, वो भी रेडी होने वाला ही होगा। थैंक यू भैया, पहेंगे चटनी ऐसे रखी भैया ने, टेढ़ी 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 मेढ़ी ना, वो टेढ़ा ही हो गया, चटनी सारी हाथ में आ गई मेरे, कोई नहीं, ये भैया भी ना कमाल करते हैं। अंकल ये जलजीरा और जिंजर वाला कर दीजिएगा। तो बस मैंने ऑर्डर करा था यहाँ पे मलाई चाप, साथ में कबाब किया था, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फेमस है ये दोनों चीज़ें, और साथ में ये वाले ड्रिंक्स करें, ये है जलजीरा का लेमनेड और ये है जिंजर वाला। तो अक्सर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहीं से ऑर्डर करता हूँ सारी चीज़ें। तो पहले तो मैं मलाई चाप आप लोग को बताता हूँ कैसा है यहाँ का, वैसे मैंने ऑलरेडी पहले खाया है बट फिर भी चटनी बहुत ज़्यादा खट्टी है पर मस्त है। मैंने शायद लास्ट में जो खाया था ना चाप वो खाया था, वो दूसरा वो चाप था, पता नहीं कौन सा था, ये मलाई है वो शायद अफगानी चाप का, हाँ सॉरी अफगानी चाप खाया था। इस बार ये वाला मलाई चाप खा रहा हूँ, मलाई चाप तो भाई लाजवाब है।
अरे बाल इतने बड़े हो गए ना, थोड़ा चेहरा ही नहीं दिखता। मस्त है। बाकी इसके साथ ना मुझे ये पीना बहुत पसंद है यहाँ पे, इसलिए मैं जब भी आता हूँ कुछ भी खाने का लेता हूँ ना यहाँ से, ये जलजीरा वाला जो भी है मैं लेता ही लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा मैं अकेले खा रहा हूँ, एक्चुअली मैं अकेले नहीं खा रहा, मेरा दोस्त भी है जो कि कैमरा पकड़ के बैठा है यहाँ पर, उसको वीडियो में आना नहीं है, बोल रहा है मैं घर के कपड़ों में आ रखा हूँ। इसलिए जो ये मलाई चाप है ना, ये पूरा क्रीम व्रीम से पूरा डिप होता है। बाकी चटनी ये लोग दो टाइप की देते हैं यहाँ पर, एक हरी वाली देते हैं, रेड वाली तो एज यूजल सब जगह मिलती है, बट जो हरी वाली ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है क्योंकि ये शायद पुदीने की बनती है, तो मज़ा आता है खाने में। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार। तो देखो जैसे ही खा के निकला ना, वैसे ही यहाँ पे रास्ते पे हमें बारात मिल गई। मुझे पता नहीं आजकल शादियाँ होती नहीं होती, बट मस्त है। एक दिन शादी का व्लॉग बनाएंगे कहीं पे जाके ना, खाना वाना खाने का। ओए 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 गाइस, ये था मेरा छोटा सा एक फूड व्लॉग, मतलब कोशिश करी कि फूड व्लॉग बना पाऊँ, वैसे तो नहीं बनाया बट छोटा मोटा बन गया हल्का फुल्का। एटलीस्ट मैंने शुरुआत कर दी है इस चीज़ की, तो अब आगे से जो वीडियोस आएगी वो ट्रैवल के साथ साथ फूड की भी आएगी, तो ये चीज़ अच्छा रहेगा। जिन लोगों को मतलब फूड वगैरह में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए भी बेटर रहेगा, बाकी ट्रैवल वाला तो है ही है क्योंकि ट्रैवल हम हर दिन नहीं कर सकते ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी एक दूसरी वीडियो पर। टिल देन टेक केयर।